हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन ईयर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 आपका एंड हो गया है और सीबीडीटी ने 1 अप्रैल 2024 को नए आईटीआर फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं। तो आप इनकम टैक्स की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं कौन कौन से आईटीआर फॉर्म आपके लिए फाइल करने के लिए अवेलेबल है। तो आप जैसे ही इनकम टैक्स की साइट पे जाएंगे तो आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आपके लिए आईटीआर फाइल करने के लिए यूटिलिटी अवेलेबल है। जब आप आईटीआर फाइल करने के लिए यूटिलिटी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए फाइल की जाने वाली आईटीआर के संबंध में आईटीआर फॉर्म 1, 2, 4 एंड 6 जो है वो अवेलेबल है। ITR फॉर्म 3 अभी अवेलेबल नहीं हुआ। ITR फॉर्म आपके लिए अवेलेबल तो हो गए लेकिन बहुत से लोगों का डाउट है कि हम ITR अभी फाइल करें या ना करें। तो आप अपना ITR तब तक फाइल ना करें जब तक कि आप अपना 26 CAS और AIS चेक ना कर लें कि आपका जो भी TDS या TCS या आपकी कोई इनकम जो कि रिपोर्ट होना बाकी है वो उसमें अपडेट हुई है या नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि इसका एक मेन रीज़न है आपका जो TDS का रिटर्न है फोर्थ क्वार्टर का, उसकी लास्ट डेट है 31 मई 2024 और जो TDS डिपॉजिट कराने की लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल 2024। तो जब तक आपका जो TDS है जो डिडक्ट हुआ है वो आपका फोर्थ क्वार्टर का ITR रिटर्न फाइल नहीं होगा तब तक वो एंट्री आपके AIS और TIS में अपडेट नहीं होगी। तो आप कोशिश करें कि जब तक आपका TIS और AIS अपडेट ना हो जाए, उसमें सारी एंट्री शो ना हो जाए, उससे पहले आप अपना ITR रिटर्न फाइल ना करें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ITR 1, ITR 2 और ITR 4 किन किन एसएससी के लिए है और कौन कौन इसे फाइल कर सकता है। तो वीडियो लंबी ज़रूर है पर एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ में क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। फर्स्ट है आपका एलिजिबिलिटी टू फाइल ITR 1 ऑनलाइन फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। तो ITR 1 जो है वो एप्लीकेबल है इंडिविजुअल के लिए, यानी कि दिस रिटर्न इज़ एप्लीकेबल फॉर अ रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज अप टू ₹50 लाख। यानी कोई भी रेजिडेंट पर्सन जिसकी इनकम सभी हेड से मिला के 50 लाख रुपये तक है वो ITR 1 फाइल कर सकता है। अब ITR 1 जो है उसमें कौन कौन सी इनकम जो है शो होगी, उसमें एक तो इनकम आपको रिसीव हो रही सैलरी या पेंशन से तो वो हो जाएगी। इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग केसेस वेयर लॉस इज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम है अप टू 5,000 रुपीज़ तो वो इसमें कंसिडर हो जाएगी। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक्सक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस। इसके अलावा अदर सोर्सेज में आपका कोई सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है तो वो आ जाएगा, अगर इनकम टैक्स रिफंड है और उस पर कोई इंटरेस्ट मिला है तो वो इसमें कंसिडर हो जाएगा। फैमिली पेंशन आ जाएगी अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराने पर, पोस्ट ऑफिस में या कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो वो कंसिडर हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम एनहांस कंपनसेशन और एनी अदर इंटरेस्ट इनकम तो वो आपकी यहाँ पर कंसिडर की जाएगी। हु कैन नॉट यूज़ ITR 1 फॉर्म फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, यानी कि कौन से पर्सन है जो कि ITR फॉर्म 1 का यूज़ नहीं कर सकते। तो उसमें ऐसे पर्सन जिनकी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो वो ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। अगर किसी की एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 रुपए से ज़्यादा या फिर किसी एसएससी की कैपिटल गेन से इनकम हो रही है या फिर बिजनेस या प्रोफेशन से अगर कोई इनकम है या एसएससी की एक या उससे अधिक हाउस प्रॉपर्टी और उससे अगर कोई इनकम हो रही है या फिर एसएससी किसी कंपनी में डायरेक्टर है या फिर एसएससी ने किसी ऐसी कंपनी में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर या फिर एसएससी ने कोई ऐसी असेट्स ओन कर रखी है इंडिया के बाहर जिसमें उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या फिर उसकी साइनिंग अथॉरिटी जो है वो इंडिया के बाहर है या फिर कोई इंडिविजुअल जिसका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट है या फिर किसी एसएससी की फॉरेन इनकम है या फिर एसएससी का जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है अंडर सेक्शन 194N में या फिर इन केस पेमेंट और डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज़ बीन डेफर्ड ऑन ईसॉप और लास्ट है इफ़ यू हैव एनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज और लॉसेज नीड टू बी कैरी फॉरवर्ड अंडर एनी इनकम हेड तो इन सभी केसेस में आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है एलिजिबिलिटी टू फाइल ITR 2 ऑनलाइन फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। तो ITR 2 एप्लीकेबल है इंडिविजुअल और HUF के लिए, अगर किसी भी इंडिविजुअल और HUF को इनकम हो रही है सैलरी या पेंशन से, अगर हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड इनकम फ्रॉम रेस हॉर्सेज या फिर वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है या फिर किसी कंपनी में उसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर या फिर एसएससी को कोई कैपिटल गेन हो रहा हो चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो या एसएससी को कोई फॉरेन इनकम रिसीव हुई हो या एसएससी की कोई एग्रीकल्चर इनकम हो जो कि 5,000 रुपये से ज़्यादा है या एसएससी ने कोई ऐसी असेट्स ओन कर रखी है इंडिया के बाहर जिसमें उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है
तो उससे अगर कोई इनकम हो रही हो या फिर एसएससी का टीडीएस डिडक्ट किया गया हो अंडर सेक्शन 194N में, या फिर एसएससी को क्रिप्टो करेंसी से कोई इनकम रिसीव हो रही हो, या फिर एसएससी का डेफर्ड इनकम टैक्स ऑन ईसॉप रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप, एंड अगर एसएससी नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, और या फिर लास्ट है इफ़ यू हैव एनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज और नीड्स टू बी कैरी फॉरवर्ड अंडर एनी इनकम हेड, तो इन सभी केसेस में आप ITR-2 फाइल कर सकते हैं। हु कैन नॉट यूज़ ITR-2 फॉर्म फॉर असेसमेंट ईयर 24-25? तो ITR-2 फॉर्म कौन यूज़ नहीं कर सकता? अगर कोई टैक्स पेयर जिसकी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम है, या फिर उसको बिजनेस या प्रोफेशन से कोई ऐसी इनकम मिल रही है जो कि इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन या रेमुनरेशन के नेचर की हो, और ये इनकम उसको किसी पार्टनरशिप फॉर्म से रिसीव हो रही हो, तो उस केस में एसएससी ITR-2 फाइल नहीं कर सकता है। लास्ट है एलिजिबिलिटी टू फाइल ITR-4 ऑनलाइन फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। तो अब ITR-4 क्या है? तो ITR-4 इज़ द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फॉर टैक्स पेयर हु ऑप्ट फॉर अ प्रेजम्पटिव इनकम स्कीम अंडर सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA एंड सेक्शन 44AE ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब ITR-4 जो है वो कोई भी इंडिविजुअल HUF और पार्टनरशिप फॉर्म फाइल कर सकती है जिसकी इनकम अप टू 50 लाख है, जिसको सैलरी से अगर कोई इनकम रिसीव हुई हो, हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम रिसीव हुई हो, अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम रिसीव हुई हो जो कि 5,000 रुपये तक है, यह एसएससी ने प्रेजम्पटिव बेसिस पर अपनी इनकम शो की है अंडर सेक्शन 44AD में, 44ADA में और 44AE में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम लॉटरी एंड इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस, इसमें कौन कौन सी इनकम इंक्लूड होगी? अगर आपको सेविंग बैंक से कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम टैक्स रिफंड पे अगर कोई इंटरेस्ट मिला है, कोई फैमिली पेंशन है, या आपको बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई अमाउंट डिपॉजिट है और उस पर कोई इंटरेस्ट मिला है, या कोई एनहांस कंपनसेशन पे आपको इंटरेस्ट मिला है, या कोई भी अदर इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, तो ये सारी इनकम अगर आपकी है तो आप ITR-4 फाइल कर सकते हैं। हु कैन नॉट यूज़ ITR-4 फॉर असेसमेंट ईयर 24-25? तो कोई भी एसएससी जिसकी 50 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम है, या फिर कोई एसएससी जो किसी कंपनी में डायरेक्टर है या किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या कोई भी इंडिविजुअल HUF और पार्टनरशिप फर्म जिसको कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है, या फिर कोई नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या फिर उसको एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम रिसीव हो रही है, या फिर उसको कोई फॉरेन असेट से इनकम रिसीव हो रही है, या फिर कोई भी रेजिडेंट जिसका किसी इंडिया के बाहर किसी असेट्स जो है उसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, या कोई एग्रीकल्चर इनकम जो कि 5,000 रुपये से ज़्यादा की है, या फिर लॉटरी से, रेस हॉर्स से, या कोई लीगल गैम्बलिंग से अगर कोई इनकम एसएससी को रिसीव हो रही है, या फिर कोई डेफर्ड इनकम टैक्स ऑन ईसॉप रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप, या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी से इनकम है, या फिर कैपिटल गेन से इनकम है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, या फिर कोई भी इंडिविजुअल जिसके द्वारा क्लेम किया जाता है रिलीफ का फॉरेन टैक्स जो उसके द्वारा पे किया जाता है, या डबल टैक्सेशन रिलीफ का अंडर सेक्शन 1990A और 91, एंड लास्ट इंडिविजुअल जिसका TDS डिडक्ट किया गया है अंडर सेक्शन 194N में, तो ये सभी पर्सन जो है वो ITR-4 फाइल नहीं कर सकते। अब ITR-4 फॉर्म फाइल करते समय आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि असेसमेंट ईयर 24-25 से आपके ITR-4 जो है उसमें कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। उसमें फर्स्ट चेंजेस है कि आपका जो न्यू टैक्स रिजीम है वो आपकी बाय डिफॉल्ट रहेगी। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो आपको ड्यू डेट से पहले एक फॉर्म जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, फॉर्म 10IEA, तभी आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। ITR-4 में आपके द्वारा सेक्शन 80CCH में डिडक्शंस के लिए एक नया कॉलम इंसर्ट किया गया है, जिसमें किसी भी अग्निवीर के द्वारा किसी अग्निवीर कॉर्पस फंड में डोनेशन दिया जाता है तो वो सेक्शन 80CCH में उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। और लास्ट चेंजेस जो है वो आपके टर्नओवर में किया गया है। यदि आपका टर्नओवर या आप जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो आपके 95% या उससे ज़्यादा डिजिटल मोड में है, तो आपका जो टर्नओवर है वो सेक्शन 44AD में 2 करोड़ से उसकी लिमिट 3 करोड़ हो जाएगी, और साथ ही अगर आप प्रोफेशनल हैं तो उसके केस में आपकी जो लिमिट है सेक्शन 44ADA में 50 लाख रुपये से 75 लाख रुपये हो जाएगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।